हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर गाइस फन एब्सोल्युटली वेयर एवर यू आर। सुबह बज गए हैं 11:05, तो 11:05 हो गई है और मैं जा रही हूँ आयुष को पिक करने के लिए। और मैं ना मेरी सिस्टर इन लोग को देख रही हूँ, लेकिन अभी तक दिखे नहीं है। और दो फ्रेंड है आगे चली गई है, वो गेट के पास मिलेंगे सब अभी। और आज मॉर्निंग में थोड़ा बिजी स्केड्यूल था, हमारे आंटी के घर पे जाके आई मैं आज, और अभी भी वहाँ से आके सीधा घर पे गई और उसके बाद जो सामान था थोड़ा वो रख के आई और फिर इसको पिक करने के लिए निकल गई। आज का वेदर है अच्छा, लेकिन ठंडी बहुत है। मेरे हाथों ना पूरा हाथों में अभी ठंडी ठंडी लग गई है। सो वही है, मेरे पीछे बैकग्राउंड में देखो बहुत ही बढ़िया सन दिखेगा। अभी अभी कंटिन्यू व्लॉग में एंड तक रहना। सो भाई अभी बच्चों कुछ बात बतानी थी, वो अभी मुझे याद आ गई तो बता देती हूँ। मॉर्निंग में मैसेज आ गया है मेरे मोबाइल फ़ोन में, इंडिया से जो पार्सल किया हुआ है ना मम्मी ने, तो वो पार्सल आ जाने वाला है। तो पूरे हफ्ते के बाद अराउंड 6 to 7 days यहाँ पर लगता है आने में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी नई नई जो कि अभी हमने दिखने वाली है, तो वो अभी आएगा अराउंड 12 बजे से, अराउंड 12 से 1 के बीच में आ जाएगा वो पार्सल। तो भी कंटिन्यू व्लॉग में एंड तक रहना, क्या क्या आ रहा, मम्मी ने वहाँ से लेके पार्सल में डाला है, वो सारी चीज़ें दिखने को मिलेगी। भी कंटिन्यू व्लॉग में एंड तक रहना पड़ेगा। और देखो दादी, सुबह पार्सल आ गया है। इस बार ना ये पार्सल खुला है तो कंप्लेंट जाने वाली है फिर से। अभी मम्मी लग गए है पार्सल खोलने में, देखो देखो हमारा पार्सल कैसा है, देखो टूट गया है सारा और सारा बिखर गया है। ये सारा खोल दिया है, ये सारी चीजें खोल के भेजी है। चालू रखो डटमा हुआ ना नहीं। स्पेशल मार हाँ जो तो करी એટલે આ બોમ્બે વાળું કરલ છે આવલો પણ રોગા ના આંટી હોય ને કદાચ આંટી તો બરાબર પેક કરો છે देखो ये सारी चीजें, देखो ये पूरा का पूरा पार्सल इस बार ना कंप्लेन वाला है, कंप्लेन लिखानी पड़ेगी। तुम्हारे बोलूस का मम्मी हेमल ने कंप्लेन करो, स्पेशल हेमल ने। हेमल तेरे सर्दी कैसे कि आम नहीं हो पैसा फेरे बिना नहीं बचे ले बराबर ने दो भाई आपरे तो तो भाई बच गए है शाम के 4:30। और देखो बाहर का वेदर, जिसे अभी अंधेरा होने वाला है ऐसा वेदर हो चुका है। और देखो मेरी हेड भी ना थोड़ी ये ना थोड़ी वो है, अच्छी नहीं है। वो वाली थी ना वो बहुत अच्छी थी, लेकिन ये अच्छी है वैसे तो, कान ढक देती है अच्छे से, और वो वाली इतनी अच्छी नहीं थी। तो भाई बाहर बारिश भी स्टार्ट है, देखो मैं आ गई हूँ बारिश में। तो इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी आ रही है बारिश, शायद इसमें आवाज़ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी पता नहीं है। और हमारा खाना हो चुका है रेडी, राइस बन रहा है और सब्जी रोटी एंड दाल सब कुछ बन गया है। और देखो वहाँ पे कितना बढ़िया वो रॉकेट जा रहा है, और इसका कलर भी चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं वहाँ पे पूरा ना ऑरेंज कलर का जा रहा है।
प्लेन भी ऑरेंज दिख रहा है और पीछे का धुआं ही ऑरेंज दिख रहा है। नॉर्मली वाइट दिखता है, आज कुछ अलग दिखने को मिला मुझे। वही है, आज पार्सल आया है तो पार्सल की कंप्लेन लिखवानी पड़ेगी स्पेशल। हमारी वीडियो व्लॉग, हमारी ये व्लॉग जाएगी और देखेंगे तब पता चलेगा उन लोगों को कि क्या कंप्लेन आई है। बहुत सारी चीज़ें इस बार ना बिखरी हुई थी, सारी चीज़ें खुल जो वहाँ से भेजी थी ना वो ओपन करके भेज आई थी, क्योंकि लास्ट टाइम जो आया था बहुत ही बढ़िया आया था, अच्छे से हम वो पार्सल से हैप्पी थे। और इस बार ये पार्सल आया है, हम अनहैप्पी है, उसकी कंप्लेन लिखवानी पड़ेगी क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब हम वहाँ से पार्सल सेंड करें मम्मी तो अच्छे से हमें यहाँ पे रिसीव हो। वही है, सारा पार्सल खोला हुआ था तो जिस किसी के भी लिए ये मैं कंप्लेन के बारे में बोल रही हूँ वो समझ ही जाना कि मैं किसको बोल रही हूँ। और बस वही है, कुछ ज़्यादा टेंशन मत लेना, लेकिन पार्सल आपका तो वहाँ पे काम होता है, लेकिन जो वहाँ से भेज देते हैं उसके बाद वो आगे जाता है, आगे चल के वो लोग ओपन करते हैं, हम समझ सकते हैं। लेकिन पूरा का पूरा पार्सल ऐसा था तो आप आगे बोल सकते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या था, कि हम वहाँ पे पूरी जो भी है हमारा जो भी सामान है जो अलाउड नहीं है और जो अलाउड है वो सारी चीज़ें बेचते हैं, जो अलाउड नहीं है उसके भी वो लोग पैसे लेते हैं, तो हम वहाँ पे कर देते हैं, तो फिर उसको ओपन करने का आता ही नहीं है कि इसमें क्या है। तो यह है, अगर कुछ बुरा लग जाए तो सॉरी इसके लिए, लेकिन कोई नहीं, चलो हमारा जो काम था, हमारा जो सामान था वो हमें बताने का था कि ये सारी चीज़ें ऐसे आई है और इससे हम हैप्पी नहीं हैं। तो कोई नहीं, समझ जाना, नेक्स्ट टाइम आप जब भी पार्सल करो, हमारा ही नहीं कभी किसी और का भी करो, अच्छे से वहाँ से सेंड करो, आगे बताओ कि ये सारी चीज़ें ऐसे आती है, तो फिर वो लोग भी आगे से अच्छे से देखेंगे और अच्छी सर्विस देंगे। अगर अच्छी सर्विस होगी तो कस्टमर आपके बढ़ेंगे, और जैसे अभी हम ऐसे आया तो ऐसे तो कस्टमर टूट जाते हैं, कस्टमर नहीं आते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं अभी फ़िलहाल हमारे लिए। तो अगर कस्टमर बढ़ाना है तो अच्छी सर्विस दो, नहीं बढ़ाना है तो ऐसे फिर ऐसे ही आता है, तो वो अपने आप ही कस्टमर टूट जाता है फिर। तो भाई चलो, अभी कुछ ज़्यादा इस बारे में डिस्कस नहीं करना है, हमारे व्लॉग देख के पता चल जाएगा कि क्या हमारा ऐसे, हमें हमारा कहने का मतलब ज़्यादा बुरा नहीं है, लेकिन अगर बुरा लगे तो फिर भी और एक बार सॉरी बोल देती हूँ। और बस चलो, खाना बना बन चुका है, मम्मी गए हैं बाहर, आएंगे बैठेंगे घर में, पापा भैया सब लोग बैठे हुए हैं और मैं आ गई हूँ गार्डन में, और गार्डन में जैसे आई बारिश आ रही थी तो स्टॉप भी हो गई, अच्छी बात है मेरे लिए। तो चलो अभी आज की व्लॉग यहीं पे एंड कर देती हूँ। और मम्मी ना बहुत सारे नए नए कपड़े लेके आए हैं, नई नई साड़ी लेके आए हैं, तो उसका व्लॉग आएगा कल। और वो साड़ी ना मैं दिवाली में और न्यू ईयर में, दो साड़ी है वैसे तो तीन है, तो एक को रखूँगी साइड पे और दो है जो बनारसी है शायद, तो वो मैं पहनूँगी दिवाली पे और एक है न्यू ईयर पे पहनूँगी, तो वो भी कमेंट करके बताना। और वो सारा कलेक्शन मैं दिखाऊँगी कल की वीडियो में, एंड एडवांस में सबको हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर। सो चलो आज की व्लॉग यहीं पे एंड कर देती हूँ, बाय बाय, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड कीप वॉचिंग, बाय बाय, कल मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी हेल्दी।